हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सुरेखा पटेल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज। सो शैल वी स्टार्ट इट। फर्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म्स क्या है? तो ऑन द पेज नंबर 63 देयर इज अ सेकंड पैरा ऑफ दैट, व्हेन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए लैंड सरफेस टेक्स सर्टेन हाइट स्लोप एंड शेप इस कोल्ड और लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, जमीन का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट टेक्स अ सर्टेन हाइट स्लोप एंड शेप इस कोल्ड लैंडफॉर्म। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। आफ्टरवर्ड्स सेकेंड वन, व्हाट इज मीन बाय माउंटेन, व्हिच आर इट्स मेन टाइप्स। माउंटेन क्या है और उसके टाइप्स क्या है? तो सेम पेज, टॉपिक ऑफ माउंटेन, डेफिनेशन इज देयर, द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर हाइट अबोव द सी लेवल, 900 मीटर हाइट अबोव द सी लेवल विथ जेंटल और एब्रप्ट स्लोप इज कोल्ड माउंटेन। अगेन आई रिपीट द डेफिनेशन, द एरिया हैविंग मोर देन 900 मीटर हाइट अबोव द सी लेवल विथ जेंटल और एब्रप्ट स्लोप इज कोल्ड माउंटेन। ओके, आप लोगों को माउंटेन कैसे फॉर्म होता है ये भी लिखना है। तो माउंटेन्स आर फॉर्म इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ ड्यू टू एक्शन रिएक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल फोर्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। आफ्टरवर्ड्स यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, फर्स्ट से लेके यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट करना है। उसके बाद उसी के अंदर क्वेश्चन दिया है व्हिच आर द टाइप्स ऑफ दैट। तो माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू फोर डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेशन ऑफ फॉर्मेशन, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स एंड रिजाइडल माउंटेन्स। तो यहाँ तक आप लोगों को ये आंसर जो है कंप्लीट करना है। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद हाउ टू फॉर्म इट एंड आफ्टर दैट इज क्लासिफिकेशन। Now, next question is there, difference between mountain and plateau. So, mountain और plateau के बीच में हम लोगों को difference लिखने हैं, okay? जिसके लिए आप लोगों को एक दोनों के अलग अलग जो parts है वो part के अंदर उसको divide कर देना है और topic wise उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग mountain का अगर लिखेंगे तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि mountain क्या है, कि जिसकी हाइट जो है फर्स्ट टॉपिक इज देयर, हाइट इज मोर देन 900 मीटर्स अबोव सी लेवल। अच्छा, तो प्लेटो के अंदर क्या आएगा? तो प्लेटो के अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि लैंड पार्ट हैविंग अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर्स अबोव द सी लेवल। हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर्स अबोव द सी लेवल। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। ना माउंटेन्स जो है वो कितने पार्ट्स में है, तो लिखने का देर आर फोर पार्ट्स, देर आर फोर टाइप्स ऑफ माउंटेन। और प्लेटो जो है कितने पार्ट्स है, प्लेटो के थ्री पार्ट्स है, इंटरमाउंटेन प्लेटो, पिटमोंट प्लेटो एंड कॉन्टिनेंटल प्लेटो। तो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेटोस। ओके, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक,
माउंटेन्स के अंदर हम लोगों ने जो टाइप्स है वो फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन, एंड द लास्ट वन इज रेसिडुअल माउंटेन। जबकि प्लेटो के अंदर हम लोग देखेंगे तो इंटरमोंटेन प्लेटो, आफ्टर दैट पिडमोंट प्लेटो, कॉन्टिनेंटल प्लेटो। ओके, सो आप लोगों को इस तरह इसका डेफिनेशन लिखना है। सबसे पहले उसकी हाइट, आफ्टर दैट कितने टाइप्स है और जो टाइप्स है उसको लिखना है। फिर एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत सारे आ सकते हैं तो उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। सातपुड़ा ऑफ इंडिया इज डैश टाइप ऑफ माउंटेन। तो सातपुड़ा ऑफ इंडिया वो जो है वो ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसका आंसर आएगा बी, ब्लॉक माउंटेन। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय माउंटेन रेंज फ्रॉम ऑल फोर साइड इज कॉल्ड डैश प्लेटो। इन चारों ओर से जो माउंटेन रेंज है सो क्या कहा जाएगा, इंटर माउंटेन। नेक्स्ट, फ्लैट पीस ऑफ लैंड हैविंग एवरेज डैश हाइट फ्रॉम सी लेवल इज कॉल्ड प्लेन। तो प्लेन जो है दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली अप टू 180 meters, अप्रोक्सीमेटली अप टू 180 meters। नेक्स्ट, ह्यूंग हो प्लेन इज अ डैश टाइप ऑफ लैंड। ह्यूंग हो प्लेन जो है किस टाइप प्लेन का एग्जाम्पल है, दैट इज अ डिपोजिशनल प्लेन। Now, next question is there. Recognize me. I am surrounded by the land from three sides. Tino sides se land form se, that is a peninsular. My end extend out into sea up to the certain extent. End jo hai, wo sea tak extend hota hai. So, that is a cap. I am known as an island. स्टूडेंट्स यहाँ पे आइलैंड के अंदर आप लोग कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे कि हमारे बुक के अंदर आइलैंड्स के जो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आइलैंड ऑफ शंखोद्वार दैट इज अ बेट द्वारका, एंड पिरम बेट शियाल। तो इसमें से आप कोई भी एग्जाम्पल्स जो है लिख सकते हो आइलैंड के अंदर। आफ्टर दैट I connect two water areas, जो दो water areas को connect करते हैं, that is a strait. Strait. I have sea on my three side and land on one side. Three sides क्या है, sea है और one जो है वो land area है, that is a gulf. So क्या कहा जाएगा, gulf. Okay, यहाँ पे हम लोगों को short note देखते हैं। ब्लॉक माउंटेन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटोस, डिपोजिशनल प्लेन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन। तो स्टूडेंट्स इसका जो पैराग्राफ है वो हम लोगों को दिया ही है। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक माउंटेन। ऑन द पेज ऑफ 64 द सेकेंड टाइप्स ऑफ माउंटेन ब्लॉक माउंटेन, उसका जो पैरा है वो दिया है। आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। Due to the geological force, pulling force is applied on the surface of the earth, then cracks are formed. As a result, surrounding area is submerged and central part remains stable, forming block mountain. Then, gorges are formed in the lower area. Horst Mountain of Germany is the best example of it. Therefore, such mountains are also called Horst Mountains.
नीलगिरी, सातपुड़ा, विंध्याचल माउंटेन्स ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स का पैरा जो है वो आप लोगों को शॉर्ट नोट के अंदर लिखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटू। जो प्लेटू रीजन से उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ऑन द पेज नंबर 66 इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटू शुड बी गिवन देयर। यहां से लेके यहां तक, दैट इज अ सेकेंड शॉर्ट नोट। द लेविक सॉइल ऑफ प्लेटू इज फर्टाइल एंड इट इज अ फेवरेबल फॉर कॉटन क्रॉप। प्रीसियस मिनरल लाइक आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द एशियन सॉलिड रॉक ऑफ द प्लेटूज। फॉर एग्जाम्पल, छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ इंडिया स्लोप ऑफ हिस प्लेटू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैटल रेयरिंग एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर टूरिज्म एंड फिल्म इंडस्ट्री। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटूज। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज डिपोजिशनल प्लिंग। ऑन द सेम पेज 66 देर इज अ थर्ड टाइप्स ऑफ प्लेन, डिपोजिशनल प्लेन। ये जो होल पेरा है वो आप लोगों को लिखना है टू कंटिन्यू टिल 67 पेज। दिस टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ एलुवियम डिपोजिट बाय रिवर, ग्लेशियर्स, विंड एक्सेट्रा इन लेक और सीज। सच प्लेन्स आर कोल्ड डिपोजिशनल प्लेन्स एंड ऑल्सो कोल्ड रिवराइन प्लेन। रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, हंग हो प्लेन इन नॉर्थ चाइना, लोम्बार्डी प्लेन फॉर्म बाय पो रिवर इन इटली आर द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ एलुवियल प्लेन्स। वेन प्लेन्स आर फॉर्म विथ द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन द लेक देन दे आर कोल्ड लेक फील्ड। कश्मीरी वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेक फील्ड इन इंडिया। तो यहाँ तक आप लोगों को ये डिपोजिशनल प्लेन जो थर्ड शॉर्ट नोट है वो लिखनी है। एंड द लास्ट वन इज देयर इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन। प्लेन्स के प्लेनी रीजन से, वो प्लेन रीजन के इम्पोर्टेंस क्या है, तो जो थर्ड आंसर आप लोगों ने लिखा उसी के नीचे आपको पैराग्राफ पे दिया है। ऑन द पेज नंबर 67 फोर्थ का आंसर है ये, होल पैरा लिखना है। Places of human habitation and trade commerce are established in the fertile plains. Flat plains have proved more useful for road routes and rail routes. Cities having a dense population are situated in the plains. Fertile land is more useful for farm production. Farm producer supplies raw material for the industries. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है वो टेक्स्ट बुक से अंदर से ही आप लोगों को सॉल्व करवाई है। ये जो कंटेन है दैट शुड बी अ वेरी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल टू यू, सो यू हैव टू बी राइट दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। द PDF ऑल्सो शुड बी सेंड इट विथ, सो इफ यू हैव डाउट देन ऑल्सो चेक इन इट। थैंक यू।